हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, दिस इज डेट 20 मई 2020। क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6 है। मैथ्स में रियल नंबर पर 8 लेक्चर चला है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंस का पहला चैप्टर का ये 6ठा लेक्चर है। प्लेलिस्ट यूट्यूब में अलग कर दिया गया है, तो जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है उन लोग अपना प्लेलिस्ट में जा कर के भी भास्कर क्लासेस के प्लेलिस्ट में 10th का मैथ्स, 10th का साइंस का प्लेलिस्ट ग्रुप अलग बना दिया गया है, तो उसमें जाकर के अपना नोट्स बना सकते हैं जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं। अब चलते हैं लेक्चर 6 के तरफ। लेक्चर 5 तक कल बता दिया गया था, कल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा दिया गया था, कल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखवा दिया गया था, कल ओम्स लॉ बताया गया था, है ना। ये लेक्चर 5 में सिखा दिया गया था। अब इसी में थोड़ा सा साइंस जैसे प्रैक्टिकल होता है तो थोड़ा जानना भी है कि आखिर रेजिस्टेंस का ऐसे एक्चुअल में मीनिंग क्या हो, फॉर्मूला वगैरह तो सब ठीक। जिसमें बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको बता रहा है कि 3-4 सेल्स ले लो जो कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वोल्टेज एक सर्किट में इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रोवाइड कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कर दो, एक एमीटर लगा दो जिसके बारे में पढ़ाया गया, एमीटर जो है करंट को मेजर करता है, और एक्स और वाई के बीच में सर्किट को इनकम्प्लीट कर दो, एक स्विच ले लो, ठीक है। अब क्या करने के लिए बोला है, ये जो एक्स वाई है इसके बीच में पहले नंबर पर बोला है ऐसे एक माइक्रोम का वायर को और जोड़ दो और स्विच को ऑन कर दो, और यहाँ पर जो एमीटर में जो रीडिंग है मतलब करंट का जो वैल्यू है उसको नोट कर दो। नोट करने के बाद स्विच को ऑफ करो, ये नाइक्रोम का वायर यहां से हटाओ, और अब 10 वाट का बल्ब यहां पर लगा दो, 10 वाट का बल्ब लगा दो और फिर स्विच को ऑन कर दो, और बल्ब तो ग्लो करेगा ही, बट जो एमीटर है उसको करंट का रीडिंग लो, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में करता है, अभी बस बुक में है तो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर से वही है, स्विच को ऑफ करो, ये 10 वाट का बल्ब यहां से हटा दो, और सिंपल टॉर्च में जो बल्ब लगता है, टॉर्च में जो छोटा सा टाइनी बल्ब लगता है उसको यहाँ पर लगा दो, और फिर स्विच को जो है वो ऑन कर दो, और फिर से एमीटर में जो रीडिंग है मतलब करंट का जो वैल्यू है उसको नोट कर लो। जब ये एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे और शुरुआत में भी मतलब सारा रीडिंग नोट कर लेंगे और फिर जैसे सर्किट है इनकम्प्लीट उसको कर दो, आप देखेंगे कि एमीटर का रीडिंग तीनों केस में अलग अलग आएगा, एमीटर का रीडिंग तीनों केस में अलग अलग आएगा। वो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कल का जो क्लास के दोनों लोगों को याद होगा बताया गया था रेजिस्टेंस प्लेज द सेम रोल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी एज फ्रिक्शन प्लेज इन मोशन। तो फ्रिक्शन में 7th क्लास में आप लोग पढ़े थे, एक सरफेस ले लो, है ना, एक सरफेस ले लेना है और उसमें एक बॉल को फेंक देना है सरफेस पर ट्रैवल करने के लिए। सरफेस पर एक फुटबॉल को मार दिए पैर से और देखोगे वो ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा। अब क्या करना, सरफेस वही रहेगा, सरफेस में तेल गिरा दो, सरफेस वही रहेगा और सरफेस में पूरा पाउडर गिरा दो, सरफेस वही रहेगा बस उसको उबड़ खाबड़ कर दो, सरफेस वही रहेगा उसमें बरसात हो गया पूरा पानी हो गया, ठीक है। तो हर केस में जो फुटबॉल का जो मोशन है सरफेस के ऊपर वो डिफरेंट आता था, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो तो जमीन का ही था, बट वो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे वो जो फ्रिक्शन है वो अलग रोल प्ले कर रहा था बॉल के मोशन के ऊपर। वैसा ही सर्किट तो यही है, एक्स वाई के बीच में जब तुम माइक्रोम का वायर लगाओगे, 10 वाट का बल्ब लगाओगे, टॉर्च का बल्ब लगाओगे या फिर कोई और मटेरियल लगाओगे, तो हर बार आप देखेंगे कि जो करेंट का वैल्यू है वो अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि सारा मटेरियल का अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल मतलब कुछ भी नहीं, मटेरियल को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कह सकते हैं, रेजिस्टर कह सकते हैं, गुड कंडक्टर कह सकते हैं, बैड कंडक्टर कह सकते हैं, मोटा तार कह सकते हैं, पतला तार कह सकते हैं, 10 वाट का पावर का बल्ब कह सकते हैं, 100 वाट का पंखा कह सकते हैं, मटेरियल मतलब कुछ भी नहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उन सब में ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो होगा,
रेजिस्टेंस जो है उन सब में अलग अलग होगा। एक अगली क्लास में हम पढ़ाई करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रीस्ट्रेंड, रुकता है, क्यों रुकता है, बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम्स अमंग विच दे मूव। ठीक है, फ्रिक्शन में क्या होता था, फ्रिक्शन में मोशन को कौन रोक लेता था, सरफेस के बीच में बहुत सारा छोटा बड़ा सरफेस का जो इंटरलॉकिंग है वो बॉडी के मोशन को रोक लेता है। उसी तरह से एटम्स के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ना, तो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इनसाइड अ मैटर, उनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकल पाने में उसका मोशन जो है वो रीस्ट्रेंड हो जाता है, रुकता है, जैसे फ्रिक्शन वैसे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, जो कम रुकावट डाले, किसके में कम रुकावट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट कम, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव कर जाएगा तो करंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि करंट बराबर क्या था, क्यू बाई टाइम, तो जो कम से कम टाइम में चला जाए वहां पर करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। और सिक्स्थ सेवन्थ क्लास हम लोग जान रहे हैं जिस मटेरियल जिस कंडक्टर में करंट ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है उसको हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। तो उसी का डेफिनेशन एक दूसरे लैंग्वेज में a component of a given size that offers a low resistance is called good conductor या फिर conductor। ठीक है, अब अगर वो conductor ही है लेकिन उसके पास हम appreciable resistance मतलब resistance एकदम 0.00000 ऐसा नहीं कुछ resistance हो तो उस conductor को ही हम लोग resistor भी कह सकते हैं। तो conductor और resistor में अंतर है, conductor तो छोटे क्लास से जानते हैं जो conduct करवाए, अब उस कंडक्टर के पास कुछ एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू हो तो उस कंडक्टर को हम लोग रेजिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसको ख्याल रखना। और उसी साइज का एक और कंपोनेंट लेंगे जो कि हायर रेजिस्टेंस ज्यादा रोकेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक लेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक लेगा, तो पुअर कंडक्टर हो जाएगा, और बिल्कुल रोक ले तो इंसुलेटर हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर है बट समझ ही रहो, इसका अलग से डेफिनेशन मैं नहीं लिखवाऊंगा। ये लिख रहा है ऑफर्स अ हायर रेजिस्टेंस, वो हाइयर रेजिस्टेंस और ज्यादा हाइयर रेजिस्टेंस हो जाए तो वो सीधा सीधा उसको हम लोग इंसुलेटर कह सकते हैं। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, रेजिस्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये हम लोग छोटे क्लास में भी जानते थे। रेजिस्टेंस के हिसाब से ऐसा है, एटम के अंदर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो थोड़ा कम रेजिस्ट करे वो गुड कंडक्टर है, और जो थोड़ा ज्यादा रेजिस्ट कर दे वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, पूछेगा कि क्यों रेजिस्टेंस कहां से आया तो बताइएगा। जैसे फ्रिक्शन अलग अलग सरफेस के इंटरलॉकिंग के वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है। एटम्स इनसाइड अ मैटर आर वेरी क्लोजली पैक्ड इनसाइड सॉलिड, और ज्यादातर तो गुड कंडक्टर सॉलिड ही है, तो एटम्स काफी टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकल जाने में मुश्किल होती है, जो आसानी से निकल जाए तो वो रेजिस्टेंस कम, वो गुड कंडक्टर, जिसमें से आसानी से ना निकल पाए वो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, वो पुअर कंडक्टर। ठीक है, इसको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले दो क्लास से रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग क्लियर पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, तार का, पुअर कंडक्टर का, गुड कंडक्टर का, इंसुलेटर का, रेजिस्टर का, सबका प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी तो है बट आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिससे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर को हम लोग ज्यादा कम कर सकते हैं। बार बार बताया जा रहा है रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे फ्रिक्शन होता है मोशन में, तो एट क्लास में आप लोग पढ़े थे फ्रिक्शन किसका होता है, फ्रिक्शन तो जमीन का होता है, फ्रिक्शनल फोर्स वो तो प्रॉपर्टी है किसका, जमीन का, है ना, बट उसी जमीन पर पाउडर गिरा देते हो तो जो फ्रिक्शन है चेंज कर जाता है, तेल गिरा दोगे तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई कर दो तो उसका फ्रिक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। छोटे क्लास में पढ़े हो कैरम बोर्ड खेलते हो पाउडर लगाते हो फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है, तेजी से गोटी टूटता है, बोलने का मतलब है कि फ्रिक्शन तो था ही किसका, तुम्हारे कैरम बोर्ड के सरफेस का, बट उसमें कुछ ना कुछ करते हो, जैसे मशीन वगैरह में एक क्लास में पढ़ते मशीन का तो है ही फैक्टर, बट उसमें जब जंग वंग लगने लगता है चाहे ठीक से काम नहीं करता तो उसमें तेल डालते हो, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब फैक्टर था जिससे कि तुम फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अ सरफेस को चेंज कर सकते थे, इफेक्ट डाल सकते थे। उसी तरह से रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, मटेरियल का, इंसुलेटर का, गुड कंडक्टर का, पुअर कंडक्टर का,
बट कुछ फैक्टर्स है जिसके मदद से हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर का वैल्यू जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि तार का प्रॉपर्टी तो है, मान लो ये तार है एल्यूमिनियम का, इसका प्रॉपर्टी तो है रेजिस्टेंस, बट इस तार को मोटा कर दें, पतला कर दें, काट दें, पानी से भिगा दें, कट पीस कर दें, बहुत दिन तक पड़ा पड़ा छोड़ दें एक जगह पर, इस पर डस्ट लग जाए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो यही टॉपिक है रेजिस्टेंस कंडक्टर का। फिक्स तो है, उसी का प्रॉपर्टी है, बट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिससे कि हम लोग कंडक्टर का रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हैं। एक्चुअली में फैक्टर्स कैन बी मच मोर, जो कि आपको क्लास 12 में और भी पढ़ाना होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे क्लास 12 में। अभी 10th क्लास में आसान लेवल का आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, तो अभी जो है इसको इस तरह से समझाया गया है जो कि आप लोग कॉमन सेंस के हिसाब से बात करते हैं। जब घर पर कभी बॉयज लोग शायद जानते हो, गर्ल्स लोग भी तार वार खरीदने जाते हो, तो जो मोटा क्वालिटी का तार होता है उसका दाम जो है वो ज्यादा होता है। या फिर देखते हो दूरदार से जो तुम्हारे घर पर ट्रांसफार्मर पे जो तार आ रहा है वो मोटा मोटा तार है, और घर पे जो डोमेस्टिक में तार इस्तेमाल करते हो वो पूरा मोटा मोटा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोटा जो तार होता है, मोटा तार में करेंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा फ्लो करता है। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल है, अभी 10th क्लास में समझना पड़ेगा, मोटे तार पे करंट ज्यादा रेजिस्टेंस कम, मतलब तार को जितना मोटा करोगे तो उस तार में रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा वो तार को कम हो जाएगा। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो एक्चुअली में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो उस तार का मोटापा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी 10th में मान के चलो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट करके और कॉमन सेंस कॉमन लैंग्वेज में देखा भी है। दूसरे नंबर पर देखा गया तार का लेंथ। तार के लेंथ को जबरदस्ती लंबा करते जाओगे, तो इसको एनसीईआरटी बुक में जैसे लैंग्वेज में समझाया गया वैसा ही है। जैसे ये पानी का पाइप है और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है, यहां से यहां फ्लो देखना है, फ्लो। अब इसी पाइप को लंबा करते जा रहे हो, लेकिन पानी उतना सा ही है, तो फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा? तार उसी पाइप को लंबा करते जा रहे हो और पानी उतना सा ही है, क्या होगा? तो फ्लो जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। वैसा ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तुम तार को लंबा करते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा। तो तार को तुम जितना लंबा करोगे वो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वायर। तो 10th क्लास के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इन्हीं दोनों फैक्टर के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है वो डिपेंड करता है। एक्चुअली में टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट जो ओम्स लॉ तुमको पढ़ाया गया है क्लास 10th में वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर है। मतलब आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस है कि क्लास 10th में आप टेम्परेचर पर ज्यादा चेंजेस कर करके सिलेबस आपका नहीं बनाएगा, वो 12th क्लास का फिजिक्स में। अभी आप टेम्परेचर के अलग रह करके अगर बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो तार का है वो लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्सपेरिमेंट्स है, कॉमन सेंस है, इसको आप एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को जब लोग साथ में लिख देंगे अब जो आएगा रेजिस्टेंस, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। तो एक तार का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ के ऊपर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर नहीं है। अब जब ये प्रोपोर्शनल हटाओगे, अब जो यहाँ पर आएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, और ये प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू, अब जो कॉन्स्टेंट आएगा ये है रो, जो डेंसिटी का साइन था क्लास 9th में, आपको ये वाला साइन है, दिस इज रो एल बाई ए। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, और इस बार ये जो कॉन्स्टेंट आएगा इसको स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट ऑफ वायर कहते हैं, और
इसी को ही बेटरली हम लोग रेजिस्टिविटी नाम से जानते हैं. दिस इज रेजिस्टिविटी. दिस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. ये जो है वो रेजिस्टिविटी है. तो जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में लोग समझे, रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी था बोलो? कंडक्टर का. बट लेंथ और एरिया अगर आप छेड़छाड़ करते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होने के बावजूद आप चेंज कर सकते हैं. क्या चेंज नहीं कर सकते एक तार का, क्या चेंज नहीं कर सकते एक तार का, उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. ये आउट एंड आउट प्रॉपर्टी है कंडक्टर का. जो लोग समझ रहे हैं, कंडक्टर बोलो चाहे मटेरियल बोलो, प्रॉपर्टी ऑफ वायर लिख देते हैं, है ना. जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है बट वो स्पेसिफिक खास प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ और एरिया. जैसे एक तार है बस उसको कट कर दिए तो उसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज कर जाएगा. एक तार है उसको ऐसे फोल्ड कर दिए, ऐसे मोड़ दिए, तार को जैसे मोड़ दोगे तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा. क्या चेंज नहीं करेगा तो वो है रेजिस्टिविटी. ये स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट है वायर का, ये प्रॉपर्टी ऑफ वायर है. रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है बट वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है. ये जो रेजिस्टिविटी है ये फिक्स है, ये स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट है. बोलने का मतलब ये है कि अगर ये एक तार है और इसका कुछ रेजिस्टिविटी का वैल्यू है, अब इस तार को तुम काटो, छोटा करो, मोटा करो, कट पीस करो, पतला करो, कई दिन तक के लिए छोड़ दो, कट कर दो छोटा छोटा, कुछ भी कर दो, इसका रेजिस्टेंस तो चेंज कर जाएगा बट इस तार का रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर चेंज नहीं होगा. तो रेजिस्टेंस भी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी भी प्रॉपर्टी है, बट दोनों में अंतर है. इसको अच्छे से लिखो. तो कुछ बातें रेजिस्टिविटी के बारे में कर लें, अब कुछ बातें रेजिस्टिविटी के बारे में कर लें. तो पिछले 5 मिनट में बताया जा रहा है रेजिस्टिविटी रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, है ना. ये भी कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, बट स्पेसिफिक कांस्टेंट कौन है तो रेजिस्टिविटी. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स तो है कंडक्टर का, बट तार के लेंथ और एरिया में छेड़छाड़ करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज कर जाएगा. बट रेजिस्टिविटी इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर. थर्ड नंबर, इट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. इसको अभी थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया गया था. फिर देखो, मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं उनका रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत कम होता है, इस वजह से ही उसको गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है. तो आज के बाद ये भी याद रखेंगे मेटल्स का क्या क्या खास खूबी है. तो वो गुड कंडक्टर तो होता है, बट क्यों गुड कंडक्टर है? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेटल्स और अलॉय की बहुत कम होती है. उसी तरह से इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी हाई वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी. इंसुलेटर वगैरह का रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है, या फिर पुअर कंडक्टर्स का बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू बहुत हाई है. अब एनसीईआरटी बुक में टेबल 12.2 पेज नंबर 206 में रेजिस्टिविटी दिया हुआ है मटेरियल का, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर. तो उसको आप लोग थोड़ा सा पहले देखेंगे, फिर उसको अगले लेक्चर में हम लोग उस पर भी आएंगे, है ना. अब इसको आप लोग यहाँ तक समझ गए कि लेंथ और एरिया पर छेड़छाड़ करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू तो फिक्स रह जाएगा, बट क्या चेंज कर जाएगा? तो रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया में छेड़छाड़ करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा, बट रेजिस्टिविटी का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करेगा. बट रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट होने के बावजूद अगर टेम्परेचर पे छेड़छाड़ करते हो तो रेजिस्टिविटी भी जो है मटेरियल का वो चेंज कर सकता है, जिसके फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में क्लास 10th के बुक में नहीं डिस्कशन है, बट एज ए साइंस स्टूडेंट आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आपको ये मालूम होना चाहिए. जो कि नोट में पॉइंट 1 और 2 में लिखवाया जा रहा है, कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है
और सेमीकंडक्टर और अलॉय का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ। अभी आपको याद करना है क्यों, क्या, किसलिए, अभी आपको नहीं समझाया जा सकता क्योंकि आप लोग को जो ओम्स लॉ ही पढ़ना है 10th क्लास में वो विदाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है। इस वजह से अभी आपको ये कॉन्सेप्ट, ये फैक्टर, ये थिंग्स टू रिमेम्बर याद करना है। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड सेमीकंडक्टर या फिर अलॉय का डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाता है और सेमीकंडक्टर्स का जो है वो डिक्रीज कर जाता है। सेमीकंडक्टर का थोड़ा यहाँ पर मतलब दिखाइए, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर था यहाँ। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस एंड सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर का डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर इंक्रीज। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो, कल कुछ बच्चों से फोन पर बात हो रही थी व्हाट्सएप में तो पूछ लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वोल्टेज पर क्या इफेक्ट है, करंट पर क्या इफेक्ट है। वैसे नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वोल्टेज और करंट पर इफेक्ट नहीं पड़ना है आप लोगों को, 10th में तो कुछ भी नहीं पड़ना है, बट ये मालूम होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने पर वोल्टेज करंट पर नहीं, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इस पर प्रभाव पड़ता है। किस तरह का प्रभाव है, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हो तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का डिक्रीज कर जाता है। ये जो अलॉयज है, अलॉयज के बारे में आपने साइंस में पढ़ा, ये मैन मेड होता है, इसको जानबूझ करके इस तरह से बनाया जाता है कि इट डोंट चेंज देयर रेजिस्टिविटी एप्रिशिएबली विथ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ज्यादा कर दो चाहे बहुत कम कर दो तो कंडक्टर का इंसुलेटर का तो रेजिस्टिविटी चेंज कर जाता है, बट अलॉयज मैन मेड होता है, इसको जानबूझ करके इस तरह से बनाया जाता है कि टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ अलॉयज का रेजिस्टिविटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इन फैक्टर्स को आप लोग याद करेंगे, इसका न्यूमेरिकल, इसके कंसेप्ट, इसका ग्राफ, इसके बारे में हम लोग और अगले क्लास में बात करेंगे। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट कर दिए है 10th क्लास के, बाकी जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है ट्राई करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो कर दें, क्योंकि लगता है कि आपका स्कूल कोचिंग ऑफलाइन सिचुएशन कुछ ज्यादा ही दिनों तक बंद रहेगा, इसलिए जो लोग पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट अगर कर सकते हो तो ऑनलाइन पेमेंट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लो, थैंक यू।